व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अलग अलग लेवल पर हमारी कंट्री में जुडिशरी सिस्टम है, किसी भी इंसान को न्याय से वंचित न रह जाए, इसलिए अलग अलग तरीके के आप लोगों यहाँ पर जुडिशरी के सिस्टम नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट नजर आता है, हाई कोर्ट नजर आता है, सबोर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, लोक अदालत हम लोगों ने देखी, फैमिली कोर्ट्स हम लोगों ने देखे। तो ये अलग अलग लेवल के, कहीं पर आप लोगों को देखेगा लेंथी प्रोसेस होता है, तो कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बिल्कुल डायरेक्ट प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट जज भी आपके सामने यहाँ पर नजर आते हैं, जैसे कि लोक अदालत हो गया या फिर फैमिली कोर्ट हो गया, कुछ ऐसा ही सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर नजर आएगा, ग्राम न्यायालय। तो इनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से गांव के लेवल पर भी, जो विलेज के लेवल पर भी आप लोगों यहां पर न्यायालय नजर आएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी स्पीडली यहां पर काम को निपटाया जा सके और ज्यादा लंबे समय तक यहां पर और ज्यादा खर्चे से बचाया जा सके, जो कि गांव लेवल पर या फिर जो रूरल लेवल पर हमारे लोग रहते हैं उनको यहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके के न्यायालय भी यहां पर पाए जाते हैं। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि सबको यहां पर इक्वल जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए, इक्वल जस्टिस की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए, जैसी बातें कुछ कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उनको इंप्लीमेंट करने का यह तरीका है सीधा सीधा। ओके, तो इसलिए यहां पर आज हम लोग देखने जा रहे हैं ग्राम न्यायालय। ये भी इससे भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट में, तो टॉपिक अच्छा है। ये भी खासकर जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि गांव में जो होती है हमारे कंट्री में जो इनकम जो फार्मर की डबल करने की बात की जा रही है 2022 तक, और भी कई सारे ऐसे स्टेप्स बोले जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ हम लोग यहाँ पर डेवलप करेंगे अपने रूरल एरिया को भी, ताकि वहां पर भी जाकर अच्छे से एंजॉय कर सकें। और आप लोगों ने वो तो सुना ही होगा पूरा कॉन्सेप्ट एपीजे अब्दुल कलाम सर का, इसको बोला जाता है प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। मतलब कहने का यह, जो जो भी फैसिलिटीज अर्बन एरिया में प्रोवाइड कराई जाती है, जो भी फैसिलिटीज शहरों में प्रोवाइड कराई जाती है, वो सारी फैसिलिटीज आप लोगों को गांव में भी प्रोवाइड करानी है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्टेप आप लोग इसकी और जाता हुआ मान सकते हैं। तो ग्राम न्यायालय काफी शानदार चैप्टर है, आइए पूरा ओवरव्यू लेते हैं किस तरीके से इसको डेवलप किया जाता है, किस तरीके से इसको सेटल किया जाता है, रिवेन्यू कहां से निकल कर आता है और किन किन एरिया में फोकस देकर चलता है, और क्या इसका पैटर्न रहता है, और कहां कहां कंट्री में कहां कहां पर आज की डेट में ग्राम न्यायालय है। तो पूरा आप लोगों के लिए लेक्चर होने वाला है काफी शानदार, तो बने रहिए मेरे साथ, काफी कुछ जानने को मिलेगा। आइए अब डिस्कशन आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानने को मिलेगा कोई बहुत पुराना डेवलपमेंट नहीं है, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, अभी ओनली 10 साल पुराना हुआ है। 2008 में निकल के आया ग्राम न्यायालय एक्ट, उसने प्रोवाइड कराया कि ग्राम के लेवल पर भी यहाँ पर न्यायालय होने चाहिए, मतलब जुडिशरी का सिस्टम यहाँ पर गांव के लेवल पर भी होना चाहिए। और गांव के लेवल पर जब जुडिशरी का सिस्टम रहेगा तो आप लोग जानते हैं, मान लीजिए किसी इंसान को सुप्रीम कोर्ट आना है, कहां से लेकर तमिलनाडु से, साउथ से किसी को सुप्रीम कोर्ट आना है, तो कितना लंबा डिस्टेंस पड़ जाता है। हाई कोर्ट भी मैक्सिमम आप लोगों को सिटी में नजर आते हैं, और दूसरे भी कोर्ट जो हो गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, वो भी आप लोग अच्छे लेवल पर नजर आते हैं। पर लेकिन जब बात करते हैं ग्राम न्यायालय की, तो ये आप लोगों को ब्लॉक लेवल पर लगभग नजर आएंगे, 4-5 गांव का इकट्ठा हो सकता है, सिंगल गांव का भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर ग्राम न्यायालय नजर आएंगे। ग्रास रूट लेवल पर आप लोगों को देखेगा जुडिशरी का जो जस्टिस सिस्टम है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश इसके थ्रू की जाती है। और सिटीजन के आप लोग ये भी बोल सकते हैं, बिल्कुल घर के अंदर ही, बिल्कुल स्टेप डोर पर आप लोगों को यहां पर ये सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है, जस्टिस का जो सिस्टम है, तो उसी की तौर को जाता हुआ एक प्रोसेस आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसके साथ में आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि जस्टिस जो है सबको प्रोवाइड कराना चाहिए, तो किसी भी सिटीजन को हमारे यहाँ पर जस्टिस को डिनाई नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं उसकी ओर भी ये स्टेप जाता हो आप लोगों को नजर आएगा, और चाहे कोई भी हो, सोशल इकोनॉमिक या फिर कोई अदर डिसेबिलिटीज हो, उसकी वजह से उसको जस्टिस से दूर न रखा जाए। ठीक है, चाहे कोई गरीब हो, चाहे किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो किसी इंसान के अंदर, या और भी कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, सोशल इकोनॉमिक या अदर डिसेबिलिटी कुछ भी क्यों ना हो, उस इंसान को जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। ये कहीं ना कहीं ये एक आप लोग कह सकते हैं उसकी ओर को जाता हुआ ये काफी शानदार स्टेप यहां पर इसको बोला जा सकता है, जो कि 2008 से स्टार्ट हुआ। तो 2008 आज के डेट में हम लोग खड़े हुए हैं 2018 में, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। तो काफी शानदार ये स्टेप आप लोग बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल पर जस्टिस को पहुंचाने का। कुछ रीजंस जान लेते हैं अब, क्या रीजन थे कि ऐसे यहां पर ग्राम में न्यायालय को एस्टेब्लिश किया गया। तो वैसे तो आप लोगों को मैं मोटा मोटा तो ओवरव्यू दे चुका हूं, अब यहां पर डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, पुअर और डिसएडवांटेज जो सेक्शन होता है वो वर्ल्ड वाइड उसको देखा जाता है, जस्टिस से उसको साइड में रखा जाता है, उसको जस्टिस प्रोवाइड नहीं कराया जाता। ये मानते हैं कि जुडिशरी का जो सिस्टम है वो अमीर लोगों के लिए बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो जो इस तरीके की कहावत है, जो इस तरीके की धारणा चली हुई आ रही है, उसको तोड़ने के लिए भी कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं इसको स्टार्ट किया गया। अगर बात करें अपनी कंट्री की, तो आर्टिकल 39 आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो इस तरीके का ए लिखा होता है कैपिटल लेटर में, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, उसका मतलब होता है कि अमेंडमेंट के तहत उसको ऐड किया गया है। तो आर्टिकल 39 आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर बात की जाती है
इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब इक्वल जस्टिस प्रोवाइड कराना, और वो भी फ्री में आप लोग देखेंगे यहां पर प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए, हर एक सिटीजन इक्वल है। ऐसा नहीं है कि किसी कास्ट को किसी रिलीजन को लेकर यहां पर बात की जाती है, हर एक इंसान इक्वल है और हर एक उस इंसान इक्वल इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारी कंट्री में तो कम से कम मिलनी चाहिए, जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें बोली गई है। और फ्री यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी अपॉर्चुनिटी खासकर इकोनॉमिकली बैकवर्ड और डिसेबल्ड, जो डिसेबल सेक्शन है सोसाइटी का, उसको कहीं ना कहीं एक स्टेप है आप लोग बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल पर जुडिशियल जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन देने का, मतलब उसको स्ट्रेंथ करने का, तो ये भी आप लोग यहां पर इसका एक रीजन मान सकते हैं। प्रोसीजर जो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, जब लोक अदालत एक्ट निकल के आता है तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाती है कि एक तरीके से समझौता कराया जाए, जिस तरीके से हम लोगों ने लोक अदालत में और फैमिली कोर्ट में दोनों में डिस्कस किया था। जिसने वो लेक्चर नहीं देखे पुराने लेक्चर जाकर देख सकते हैं, सारे लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ओके, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बात की जाती है यहां पर आर्बिट्रेशन की या फिर कॉन्सिलेशन की, या फिर इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा मीडिएशन की, ठीक है ना। तो किस तरीके से समझौता कराया जाना है, उन्हें कहते हैं थर्ड पर्सन आगे समझौता करा दीजिए भैया यार, कोई मतलब कोर्ट में ना जाना पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आता है लोक अदालत का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे, तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट आ गया, अब भी टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं इसको स्ट्रेंथन करने की बात की जाती है, इसको स्ट्रेंथन किया जाता है ताकि ये अच्छे से अपने स्टेज पर अपने लेवल पर वर्क कर सके। ला कमीशन की बात करें तो आप लोग ला कमीशन के द्वारा भी बोल सकते हैं कि 1/4 मतलब 114 जो रिपोर्ट थी उसमें ग्राम न्यायालय के बारे में जिक्र किया गया है, उन्होंने भी यहां पर इसकी तरफ को जाते हुए बोला कि यहां पर एक अच्छा सा न्यायालय होना चाहिए ग्राउंड के लेवल पर, जिससे एक तो स्पीडी मतलब तेज जस्टिस मिल सके, ठीक है ना, यहां भी अच्छे से इनको ज्यादा खर्चा भी ना करना पड़े और एक सब्सटेंशियल ठोस जस्टिस वहां पर प्रोवाइड कराया जा सके। ऐसा नहीं कि बस नामचारे के लिए वहां पर ले जाकर रख दिया है। और बात की जाती है कॉमन मैन के लिए, नॉर्मली हाई प्रोफाइल अगर लोग रहते हैं वो तो अपना चले जाते हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, पर लेकिन नीचे जो लोग रहते हैं कम से कम उनको एक अच्छे लेवल का जस्टिस यहां पर प्रोवाइड कराया जा सके। उसी के तहत ग्राम न्यायालय एक्ट आया 2008 में और ला कमीशन ने अभी इसकी रिकमेंडेशन दी थी कि आप लोगों को यहां पर इसको लेकर आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ला कमीशन भी जब बात बोल देता है तो कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छे लेवल पर बात पहुंचाती है कि हाँ इस चीज की जरूरत है हमारी कंट्री में। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा वो भी रिकमेंडेशन वहां पर फैमिली कोर्ट के टाइम पर भी देखा, हम लोगों ने लोक अदालत के टाइम पर भी देखा, ला कमीशन पिक्चर में आता है। तो सीधा सीधा पिक्चर में आने का रीजन यही है, अगर ला कमीशन किसी बात को बोल देता है तो इसका मतलब है इस चीज की हमारी कंट्री में जरूरत है और आप लोगों को कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहां पर इस तरीके का हमारी कंट्री में लेकर आना चाहिए, जिससे कि हमारी कंट्री में जो सिटीजन है उनको किसी भी लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़े और उनको हर एक लेवल की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा सके। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहां पर ला कमीशन की जब रिपोर्ट या रिकमेंडेशन दी जाती है तो। और कहीं ना कहीं जब बात आती है पुअर की या फिर डिसएडवांटेज सेक्शन की हमारी सोसाइटी में, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसका कोई सपना पूरा हो गया है, मतलब अगर किसी को जस्टिस मिल जाता है तो ये लगता है सपना पूरा हो गया, क्योंकि उनको आस ही नहीं होती है कि हमको भी यहां पर जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो इस तरीके से यहां पर देखकर चला जाता है नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे तो। सेट किए जाते हैं ग्राम न्यायालय आप लोगों को देखने को मिलेगा रूरल एरिया में, खासकर रूरल एरिया में आप लोगों के ये गांव वाले एरिया में खासकर, तो जो रूरल एरिया होता है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्पीडी अफोर्डेबल और सब्सटेंशियल मतलब तेज, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको अफोर्ड किया जा सके या फिर फ्री लेवल पर भी होता है कई बार। इसके अलावा आप लोग यहां पर देख सकते हैं ठोस जस्टिस यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो इसी के लिए यहां पर ये सिस्टम डेवलप किया गया है। अब थोड़ा सा जैसे आप इसको देखेंगे तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा जो हम लोगों ने सबोर्डिनेट कोर्ट के दौरान में डिस्कस किया था, उसका भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा रिवीजन नजर आएगा। सबोर्डिनेट कोर्ट भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वो भी जाकर आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये उसके नीचे आता है कहीं ना कहीं, आप लोग ये मानिएगा इसको, ठीक है। ग्राम जो न्यायालय एक्ट है 2008 जो निकल कर आया वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो फर्स्ट क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगा और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है यहाँ पर, उसको बोला जाता है न्यायाधिकारी, ठीक है। जिस तरीके से वहां पर आप लोगों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था यहां पर इसको न्यायाधिकारी के नाम से पुकारा जाता है। और जब भी इसको अपॉइंट किया जाता है, जुडिशरी का सिस्टम है तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहां पर जिस तरीके से आप लोगों को सामने नजर आती है कई बार आप लोग जैसे बात करते हैं अपने वाले एरिया में कोई भी, तो जिस तरीके से खाप पंचायत वगैरह का कोई सिस्टम होता है ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा यहां पर आप लोगों को। टोटल यहां पर आप लोगों को प्रॉपर एक मजिस्ट्रेट की नॉलेज रखने वाला मतलब जज मिलेगा वहां पर, टोटल एक वकालत की नॉलेज रखने वाला, तो इस तरीके का इंसान आप लोगों यहां पर नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी वहां पर बैठा दिया जाएगा। और जो ये यहां सेटअप भी किए जाएंगे न्यायालय, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, जब कंसल्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है हाईकोर्ट के साथ में कंसल्ट करके, तो एक अच्छे लेवल का यहां पर न्याय प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई सिस्टम कर दिया है बस हाँ काम चलाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉर्मली देखने को मिलेगा या तो एवरी पंचायत के लेवल पर ये प्रोवाइड कराया जाए या फिर देखने को मिलेगा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप यहां पर एक बहुत बड़ा ग्रुप आ जाए मिलकर, कई सारी पंचायत बोले कि हमारे लेवल पे यहां पर होना चाहिए, तो उसको इंटरमीडिएटरी लेवल पर प्रोवाइड कराया जाता है। नॉर्मली आप लोग ब्लॉक के लेवल पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिस तरीके से आप लोगों की तहसील होती है तो उस तरीके के लेवल पर आप इसको बोल सकते हैं।
न्यायाधिकारी जो होता है वो ग्राम न्यायालय को यहां पर देखने को मिलेगा, स्ट्रिक्टली जुडिशियल ऑफिसर एक देखने को मिलेगा, सैलरी वगैरह भी उसकी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है उसके द्वारा प्रोवाइड उसके तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी और हाई कोर्ट के अंडर ही आती है चीजें, ठीक है। ग्राम न्यायालय जब बात आती है यहां पर एक मोबाइल कोर्ट भी इसको बोला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दिया जाता है कि यहां बस यहीं पर रहेगा, मतलब इसको इधर उधर भी स्टेब्लिश किया जा सकता है, घुमाया फिराया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जहां स्टेब्लिश कर दिया वहीं पर रहेगा, हाईकोर्ट जहां कर दिया गया वहीं पर रहेगा, तो इसके साथ में ऐसा कोई भी फंडा नहीं है। तो दोनों ही तरीके केसेस भी सुन सकता है, ये क्रिमिनल केस सुन सकता है और यहाँ पर सिविल केस, दोनों ही तरीके केस भी यहाँ पर सुन सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी तरीके से आप लोग यहाँ पर पावर कम नजर आती है तो बस सिविल कोर्ट सुनेगा, सिविल केस सुनेगा, तो क्रिमिनल केस भी ये आराम से सुन सकता है। तो इंटरमीडिएट लेवल पर नॉर्मली आप लोगों को नजर आएगा, पंचायत के लेवल पर अगर आप लोग देखेंगे तो, और केस भी अच्छे लेवल पर यहाँ पर डिस्पोज किए जाते हैं, पर लेकिन कई सारी आप लोगों को आगे चलेंगे जैसे छोटी छोटी सी प्रॉब्लम भी यहाँ पर नजर आएगी। नॉर्मली अगर बात करें यहां पर जिस तरीके से कि हम लोग किस लॉ को फॉलो करके चलते हैं यहां पर, तो दोनों ही तरीके प्रोसीजर फॉलो करता हुआ नजर आएगा। यहां आप लोग देख सकते हैं क्रिमिनल ट्रायल का जो प्रोसीजर होता है या फिर सिविल कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, पर फिर भी कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोसीजर आप लोगों को यहां पर इसके अंदर भी देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर एक तरीके से कहीं ना कहीं समझौता करने वाला भी होता है, वो आप लोगों को यहां पर नजर नहीं आएगा नॉर्मली, ठीक है। तो क्रिमिनल या फिर सिविल कोर्सेज ये सारे केसेस इस तरीके यहाँ पर आप लोगों को नजर आएंगे, ये सॉल्यूशन निकालते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया डिस्प्यूट को सेटल करने का भी काम ये करते हैं, मतलब समझौता कराने का भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, और इतना ज्यादा ये फॉलो भी नहीं करते हैं कि हाँ इंडियन जो एविडेंस एक्ट है 1872 मतलब बिल्कुल प्रॉपर एक ऐसा आप लोगों को एविडेंस लेके आना है कोई प्रॉपर वो बिल्कुल वो करना है, सीधा सीधा बात है कि कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस पे इनका टिका होता है फंडा कि आप लोगों को एक जस्टिस प्रोवाइड कराना है, किसी का फेवर करके नहीं प्रोवाइड कराना है कि हाँ ये तो मेरा जान पहचान वाला हो गया इसके फेवर में मुझे डिसीजन दे देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर और ऐसा होता भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब ये दो आप लोगों को देखने को मिलेगा जब हम लोगों ने सबोर्डिनेट कोर्ट के बारे में डिस्कस किया था उस टाइम पर, ये दो बातें मैंने आप लोगों को डिटेल में वहां पर समझाई थी। यहां पर ये नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, इस तरीके से नाम भी पूछे जा चुके हैं। अगर बात करें क्रिमिनल केसेस की तो क्रिमिनल केसेस के टाइम पर यहां पर आप लोगों को बोला जाता है ये सेशन कोर्ट रहता है, यहां पर इसका नाम सेशन कोर्ट से पुकारा जाता है, ठीक है। जब क्रिमिनल केसेस देखता है वो हमेशा सेशन कोर्ट देखता है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, और जब यहां पर सिविल केसेस आते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कौन रहता है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है, ठीक है। तो ये दो बात भी कई बार पूछी जा चुकी है और दोनों को आप लोगों को देखने को मिलेगा 6 मंथ के अंदर अंदर यहां पर इनको स्पीडी जस्टिस देना होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक केस को लटकाए हुए हैं, तो यहां पर इसके लेवल पर जब केस जाता है तो 6 मंथ के लेवल पर यहां पर केस निपटाना होता है, ठीक है। तो ये बात रहती है अगर यहां पर ग्राम न्यायालय में कोई सेटिस्फाई नहीं है तो यहां पर आप लोगों को जाता हुआ नजर आएगा जो क्रिमिनल केसेस है वो यहां पर सेशन कोर्ट में जाएंगे और जो यहां पर डिस्ट्रिक्ट वाले जो यहां पर सिविल केसेस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नजर आएंगे। अच्छा ये बताइए देखो आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, जो यहां पर जज होता है सेशन कोर्ट का जो जज रहता है उसको क्या पुकारा जाता है, और जहां पर सिविल कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रहता है उसको क्या पुकारा जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी पता चल जाएगा आप लोग कितना पीछे के लेक्चर अच्छे से देखकर चल रहे हैं। तो ये भी कई बार इस तरीके की बातें कई बार मैच करने के लिए आ जाती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा फोकस देकर चलता हूं, उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों को ये बातें डिटेल में फोकस दे देकर बताई थी कि इस तरीके से यहां पर ये पूरा सिस्टम चलता है आगे, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा इसका रिविजन जरूर करते रहिए। जब हम लोगों ने पंचायती राज सिस्टम डिस्कस किया था उस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या डिस्कस की थी मैंने आप लोगों को, ये बताया था कि रिवेन्यू की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बड़ी है और इस रिवेन्यू की वजह से वहां पर लड़ाई होती है, मतलब उनको पैसा कहां से दिया जाए। बात करी थी जब म्युनिसिपैलिटीज की, हालांकि वहां पर एक अच्छे लेवल पर कुछ ना कुछ सिस्टम उनका ऐसा है कि उनके पास में अच्छा खासा टैक्स का सिस्टम है जिससे उनका रिवेन्यू आ जाता है, पर पंचायत की तो कहानी खराब थी। उस टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था जब पंचायत के पास पैसे नहीं थे तो फिर उसके लिए कोर्ट के लिए कहां से पैसे आ जाएंगे यहां पर, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर रखा है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं प्रोविजन कर रखा है ताकि एक बेसिक सिस्टम तो डेवलप किया ही जा सके, बाकी फिर स्टेट अपने आप देखता रहेगा कैसे आगे लेके चलना है। तो 18 लाख रुपीज आप लोग देखेंगे यहां पर दी जाती है एक ग्राम न्यायालय एक स्टैब्लिश करने के लिए, एक किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर ग्राम न्यायालय स्टैब्लिश करना है तो 18 लाख रुपए यहां पर दिए जाएंगे। 18 लाख रुपए को भी ऐसा है कि प्रॉपर डिवाइड करके बता रखी कहां कहां पर कितना पैसा यूज करना है। 18 लाख में से 10 लाख रुपए तो यहां पर यूज किए जाएंगे जो यहां पर कोर्ट बनाना है, मतलब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, 10 लाख तो वहां पर यूज किए जाएंगे। 5 लाख यूज किए जाएंगे व्हीकल भी चाहिएगा उनको आने जाने के लिए या फिर कोई भी इस तरीके की कोई सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, तो उसके लिए कोई व्हीकल अगर खरीदा जाए छोटी मोटी कोई गाड़ी खरीद ली जाए तो उसके लिए 5 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाते हैं। और जो इक्विपमेंट वहां पर यूज किए जाएंगे यहां पर चेयर रहेगी कुर्सी मेज वगैरह जो भी चीजें वहां पर रहेगी वो सारे पेन पेंसिल कागज पत्थर उसके लिए यहां पर 3 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की माने तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कहीं ना कहीं एक ऐसा एस्टिमेशन लगा रखा था कि 5000 लगभग न्यायालय हमारी कंट्री में आएंगे अकॉर्डिंग टू जो एक्ट है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, उसके हिसाब से ये माना जा रहा था कि लगभग 5000 न्यायालय हमारी कंट्री में स्टैब्लिश किए जाएंगे अलग अलग एरिया में।
और इसके उसके दिए उन्होंने लगभग 14 ये देखने को मिलेगा 1400 करोड़ रुपए उन्होंने इसके लिए प्रोवाइड भी कराए हैं। कंसर्न जो स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैं और जो स्टेट यहां पर गवर्नमेंट है उनको। पर लेकिन अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो बड़ी ही घटिया पिक्चर नजर आती है सामने ग्राम न्यायालय की जब बात की जाती है। 5000 में देखेंगे तो कुछ भी यहां पर नहीं है अगर 5000 के काउंट करेंगे हम लोग यहां। स्टेट गवर्नमेंट और रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट के बाद में जब कंसल्ट करके इसको यहां पर एस्टेब्लिश करता है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा जरूर। जब यहां पर ग्राम न्यायालय को एस्टेब्लिश करने की बात की जाती है तो एक्ट के अंदर यह बात बोली गई स्टेट गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करेगी कंसल्ट करेगी स्टेट के हाईकोर्ट के साथ में, ठीक है। तो यह बात आप लोगों को जरूर याद रखनी है। तो आप लोग देख सकते हैं पिक्चर कितनी घिनौनी यहां पर नजर आ रही है। 5000 बात किए गए थे, 5000 में से जो वर्किंग है 175 है और जो यहां पर टोटल किए गए हैं जो एक पिक्चर में आते हैं वो है 291 में से जो प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 175 है। और 175 में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ओनली 10 स्टेट ऐसे हैं, बाकी के 29 स्टेट जो हमारी कंट्री में है आप लोग देख सकते हैं ओनली 10 स्टेट में से स्टेट ने यहां पर एस्टेब्लिश कर रखा है और 19 स्टेट ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है, ठीक है। 19 स्टेट में से कहीं ना किसी ने डेवलप ही नहीं किया है और ना ही किसी यूनियन टेरिटरी ने डेवलप किया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल मिला के 26 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आउट ऑफ द पिक्चर है अब तक, ठीक है। और इसमें से भी कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने डेवलप कर रखे हैं पर लेकिन वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहे हैं। डेवलप कर रखे हैं वर्क यहां पर कुछ ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आप लोग माने तो यहां पर कहानी खराब है देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग दूसरे देख सकते हैं, कुछ ऐसे कर रखे हैं पर लेकिन उनका यहां पर वर्किंग प्रोसीजर ढंग से नहीं चल रहा है। तो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तो टोटल ये स्टेट है जिनके यहां पर आप लोगों को ग्राम न्यायालय देखने को मिलेंगे। बाकी किसी भी स्टेट में यहाँ पर ग्राम न्यायालय अभी ना डेवलप किए गए ना एस्टेब्लिश किए गए और उनकी वर्किंग प्रोसीजर भी यहाँ पर नहीं है। इनमें से भी आप लोग देखते हैं कई बहुत ज्यादा खस्ता हालत है कई सारे एरिया में यहाँ पर भी, ओके। तो ये टोटल आप लोग देख सकते हैं 5000 की बात की जा रही है। 5000 में कहां पड़ता है अगर बात की जाए 175 जो कि प्रॉपर वे में यहां पर वर्क कर रहे हैं, तो देखिए कितनी ज्यादा है। मतलब एक यही बात होती है, यही बात हम लोगों ने पंचायत के लेवल पर देखी थी। जब यहां पर ग्राउंड लेवल पर बात आती है ना तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट एक आप लोग बोल सकते हैं बहुत ज्यादा लिबरल हो जाती है, वो इस तरीके से वर्क करने का मन ही नहीं करता, बोलते हम तो वर्क कर रहे हैं हाईकोर्ट वगैरह तो है क्या जरूरत है ये सब इस तरीके का ये सिस्टम जोड़ने की, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें सोचते हुए वो नजर आते हैं। और इसी के लिए कई बार यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट है वो कई बार मिल बैठकर बातें भी कर चुके हैं कि ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, सिस्टम एक पूरा प्रॉपर यहां पर डेवलप आप लोगों को करना है और उसको आगे लेके चलना है। इसके लिए देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ स्टेट यहां पर सोचते हैं कि उनको तालुका के लेवल पर डेवलप कर लेते हैं उसको, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ स्टेट ने देखा यहाँ पर तालुका के लेवल पर डेवलप कर लेते हैं, अपना खुद का ही छोटा सा सिस्टम डेवलप कर लेते हैं ताकि एक प्रॉपर प्रोसीजर भी ना फॉलो करना पड़े और अपने ही हिसाब से काम चलता रहे। कॉन्फ्रेंस हुई थी 2013 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट और हाईकोर्ट की मिलकर यहाँ पर बात की गई थी ग्राम न्यायालय एस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन ये भी निकल कर आया कि यार देखिए हमारे बोलने से तो ये एस्टेब्लिश कर नहीं रहे, कम से कम आप लोगों को जहां भी सुटेबल लगे, जहां भी आप लोगों को फिजिबल लगे कि हाँ लोकल एरिया में आप लोगों को ये प्रॉब्लम लग रही है वहां पर ग्राम न्यायालय होना चाहिए, तो आप लोग अपने हिसाब से भी ग्राम न्यायालय को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि आप लोगों को प्रॉपर जो एक्ट आया है 2008 का ग्राम न्यायालय का उसके हिसाब से ही चलना है। आप लोगों को अगर जो सुटेबल लग रहा है, जो कंफर्टेबल आप लोगों को लग रहा है, तो उसके हिसाब से भी आप लोग यहां पर ग्राम न्यायालय डेवलप कर सकते हैं। तो यहां तक भी छूट इनको दी गई है। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों के सामने है, हम लोगों का कंप्लीट यहां पर डिस्कशन हो चुका है, तो आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लीजिए यहां पर कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है आज। हम लोगों ने देखा ग्राम न्यायालय के बारे में यहां पर आप लोगों को जानने को मिला, जो एक्ट निकल के आता है 2008 उसके हिसाब से यहां पर एस्टेब्लिश किया गया है कि गांव में बिल्कुल डोर स्टेप पर यहां पर प्रोवाइड कराई जा सके फैसिलिटी। सोशल जो इकोनॉमिकली सेशन जो वीक है उसके हिसाब से यहां पर देख के चला जा रहा है, पुअर सेक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग बोल सकते हैं आर्टिकल 39 ए के तहत ये बातें आती हैं कि यहाँ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। और थोड़ा सा भी अगर आगे चलते हुए नजर आएंगे तो लॉ कमीशन के द्वारा भी रिकमेंडेशन दी जाती है। थोड़ा और आगे चलेंगे तो कहीं ना कहीं ड्रीम माना जाता है कि गांव में कि हमको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर लेकिन इसके तहत पॉसिबल कराने की कोशिश की गई है पर लेकिन वो हो नहीं रहा है। अगर हम लोगों ने लास्ट में देखेंगे न्यायालय की संख्या तो हम लोगों को वो पिक्चर कुछ और ही नजर आएगी। बात की जाती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो यहाँ पर इसको न्यायाधिकारी बोला जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर दोनों केस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आते हैं। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा यहाँ पर बात की हम लोगों ने सेशंस कोर्ट की या फिर आप लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, दोनों में डिफरेंस भी पूछा मैंने आप लोगों को क्या होता है, तो वो भी आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से यहाँ पर पैसे प्रोवाइड करा रही है जिससे कि यहाँ पर सिस्टम को डेवलप किया जा सके अच्छे से, और हाईकोर्ट के साथ में कंसल्ट करके यहाँ पर इसको डेवलप किया जाता है। कितने यहाँ पर न्यायालय हैं वो हम लोगों ने देखे गांव के लेवल पर और कौन कौन से स्टेट में वो भी देख लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये भी स्टेट गवर्नमेंट को ये भी यहाँ पर दे दिया गया कि आप लोग कम से कम अपने लेवल पर जैसे भी हो सके इसको एस्टेब्लिश करिए, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सिस्टम।
आज हमारा जुडिशियल सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट देखा, हाई कोर्ट देखा, सबोर्डिनेट कोर्ट देखा हम लोगों ने, इसके अलावा लोक अदालत देखा, फैमिली कोर्ट देखा, ग्राम न्यायालय देखा। तो इस तरीके से हर एक लेवल के जो कोर्ट है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिस किसी ने नहीं देखे सारे लेक्चर आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, इसके वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, या फिर आप लोगों को यहाँ पर लेक्चर के एंड में भी आप लोगों के सामने यहाँ पर पूरा खुल के आ जाएगा कि कौन कौन से यहाँ पर आप लोगों के लिए लेक्चर है। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चीजें अगर पसंद आती है तो चीजों को शेयर कर दिया कीजिए ताकि सबको पता चल जाए हमारी कंट्री में क्या सिस्टम है। पढ़ाई के लिए अपनी जगह है पर लेकिन आप लोगों को वैसे ही पता होना चाहिए कि ये जुडिशियल सिस्टम है हमारी कंट्री का। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा जा सकती है, ये भी लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।